दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम ने 8 T20 मैचेस खेले हैं, 5 इंग्लैंड के साथ तो 3 आयरलैंड के साथ। भाई शेड्यूल के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से बात करेंगे। और भाई पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी जो है वो वीजा लगवाने के लिए US एम्बेसी की ओर। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप के हवाले से। तो भाई आज की वीडियो में बात करते हैं। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले भाई क्रिक कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान टीम का कप्तान बाबर आजम बात कर रहा हूँ। सारों ने एक एक सवाल पूछना है, डेफिनेटली एक से ज्यादा सवाल नहीं पूछने। बाबर भी बताइएगा कि इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड के बारे में क्या कहेंगे आप? जी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डेफिनेटली इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, इसका जवाब मैं ग्राउंड में जाकर दूंगा। इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है, ग्राउंड में इंशाल्लाह हम डेफिनेटली जीतेंगे। बाबर भाई शेख जट बात कर रहा हूँ। तो गेम बचाना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं रहती और फाइनली भी हार जाते हैं, तो क्या वजह क्या है इस चीज़? यार ये इसको माइक किसने दिया, जरा किसने पकड़ा दिया? बाबर भाई सवाल पूछा है मैंने, आप मुझे उसका जवाब दें। भाई आईसीसी वालों ने एक मस्त प्लान बनाया हुआ है पाकिस्तान की तैयारी करवाने के लिए। जी हाँ भाई आईसीसी ने पाकिस्तान टीम के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया कि यार आप लोग पहले इंग्लैंड के साथ खेलो, फिर आयरलैंड के साथ खेलो और तैयारी करके जो है फिर वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका और वेस्ट इंडीज जाओ। जी हाँ भाई पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ तो सीरीज खत्म हो गई है, कोई बात नहीं लेवल हो गई है, लेकिन अब जो नेक्स्ट सीरीज है वो हमारी आयरलैंड के साथ है और उसके बाद 3 मैचेस खेलने के बाद फिर हम जाएंगे भाई इंग्लैंड और वहां पर हमने 5 T20 मैचेस खेलने हैं। तो भाई सबसे पहले पाकिस्तान और आयरलैंड के मैचेस हमें कब देखने को मिलेंगे? भाई सबसे पहला मैच हमें देखने को मिलेगा 10 मई को और उसके बाद जो दूसरा T20 मैच है वो हमें देखने को मिलेगा 12 मई को। तो भाई आयरिश वाले भी बहुत खतरनाक है, उनको हमने इजी नहीं लेना क्योंकि वो अपने मैदान में और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और भाई तीसरा T20 मैच पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान वो हमें देखने को मिलेगा 14 मई को, यानी कि जो 14 मई को लास्ट मैच होगा वो पाकिस्तान और आयरलैंड की सीरीज का आखिरी मैच होगा। उसके बाद पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड रवाना हो जाएगी क्योंकि आयरलैंड के साथ ही नजदीक इंग्लैंड भी वाकई है, तो वहां पर पाकिस्तान टीम ने 5 T20 मैचेस खेलने क्योंकि पाकिस्तान टीम चाहेगी वो खिलाड़ी शामिल करें जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, जैसे उस्मान खान है, आजम खान है जो कि लास्ट सीरीज में हमें देखने को नहीं मिले, मोहम्मद रिजवान जो कि 2 मैचेस खेले। और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड का दौरा करना है और भाई इंग्लैंड वालों ने पहले ही खुशखबरी दे दी है, अभी तो पाकिस्तान टीम वहां पहुंची भी नहीं है। भाई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि जब पाकिस्तान की टीम आएगी हमारे साथ सीरीज खेलने के लिए तो हमारे तमाम खिलाड़ी जो कि IPL में मसरूफ है वो भाई इंग्लैंड आ जाएंगे पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने के लिए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी फुल स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हम मैदान में उतारेंगे। भाई हाल ही में जो है वो इंग्लैंड ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड और पाकिस्तान के खिलाफ स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया, जिसमें भाई एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो सरप्राइज ये था कि जोफ्रा आर्चर भाई जबरदस्त फास्ट बॉलर अब हमें देखने को मिलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो भाई वो जोफ्रा आर्चर को तो हम देख लेंगे, भाई हमारा किंग बाबर आजम क्या हमारा फखर जमान देख लेगा, भाई हमारा साहिब अयूब नो लुक शॉट मारकर जोफ्रा आर्चर के सारे आर्चर निकाल देगा। खैर यार पहला मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड का हमें देखने को मिलेगा 22 मई को, यानी कि इंग्लैंड के मैदान में, और उसके बाद 22 मई के बाद हमें दूसरा T20 मैच देखने को मिलेगा 25 मई को, और उसके बाद तीसरा T20 मैच हमें 28 मई को देखने को मिलेगा, और उसके बाद लास्ट T20 मैच हमें देखने को मिलेगा 30 मई को, यानी कि ये कुल मिलाकर ये तो यार 4 T20 मैचेस हो गए, मैंने तो 8 T20 मैचेस का कहा। पाकिस्तान टीम ने वहां पर पहले प्रैक्टिस मैच भी तो करना है ना, उसे मिलाकर 8 मैचेस हो जाएंगे ना। तो यार आप लोग कुछ गलत क्यों समझते हो यार, पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आप लोगों को। भाई पाकिस्तान टीम ने एक प्रैक्टिस मैच भी खेलना है इंग्लैंड में, वहां पर इंग्लैंड वालों के साथ बी टीम के खिलाफ, तो भाई आप लोग टेंशन ना लिया करो, टोटल 8 मैचेस ये होंगे। खैर यार ये रहा 2 सीरीज का शेड्यूल, आयरलैंड का भी मैंने बता दिया और इंग्लैंड का भी मैंने बता दिया। तो भाई पाकिस्तान टीम का स्कोर क्या होगा? तो भाई पाकिस्तान टीम का स्कोर वही होगा ऑलमोस्ट जो हमारे किंग बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतारा था, सिर्फ 2-3 चेंजेस होगी जिस तरह उन्होंने रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाए थे, जैसे कि आमिर 1-2 मैचेस खेलने के बाद रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को 1-2 मैचेस खिलाएंगे और खुद भी हो सकता है कि बाबर आजम 1-2 मैचेस खेलने के बाद रेस्ट करें। और मुझे लग रहा है कि आयरलैंड के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की टीम रेस्ट करेगी ऑलमोस्ट और यंगस्टर को चांस देगी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेंगे तो पाकिस्तान की टीम भी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेगी इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि वर्ल्ड कप है उसके बाद जून में, तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि 22 तारीख से जो है वो इंग्लैंड की सीरीज शुरू हो जाती है पाकिस्तान के साथ और उसके बाद भाई 3 जून को पाकिस्तान का पहला मैच होगा और वो किसके साथ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। वर्ल्ड कप के वाले से
एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैंने आपको देनी थी कि पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी जो है वो वही वीजा लगवाने के लिए यूएस एम्बेसी के यार कि उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल थे, आल टू आल खिलाड़ी शामिल थे जिनमें हमारे किंग मोहम्मद आमिर अब्बास अफरीदी तक शामिल थे। लेकिन एक मिनट सबर करो यार, अब्बास अफरीदी किधर से आ गया भाई? ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड बहुत खतरनाक होने जा रहा है क्योंकि एक जबरदस्त एंट्री ये भी हो रही है कि भाई सुनने को ये आ रहा है कि मोहम्मद आरिफ भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने वाले हैं वर्ल्ड कप के लिए। मोहम्मद आरिफ भी यूएस एम्बेसी गए हैं पाकिस्तान टीम के साथ, तो भाई हो सकता है कि मोहम्मद आरिफ को भी रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया जा सकता है और ये भी हो सकता है कि यार स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। लेकिन स्क्वाड में मोहम्मद आरिफ की जगह फिर कौन रेस्ट करेगा? खैर यार पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी थे लेकिन बाबर आजम मौजूद नहीं थे। बाबर आजम एक दो दिनों तक जो है वो हमें देखने को मिलेंगे यूएस एम्बेसी में वीजा लगवाने के लिए क्योंकि यार बाबर आजम जो है वो कुछ मसरूफियात की वजह से गए नहीं वहां पर, तो यही वजह बनी कि पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी गए लेकिन सिवाय बाबर आजम नहीं गए, तो बाबर आजम हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है। वाकई भाई जिसको हमारे किंग बाबर आजम के साथ कंपेयर किया जा रहा था उसे वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ही बाहर निकाल दिया, यानी कि शुभमन गिल को इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर कर दिया। वही वो प्रिंस जो कि हमारे किंग बाबर आजम के साथ उसको एक दो दिनों तक जो है वो कंपेयर कर रहे थे कि भाई विराट कोहली के साथ तो कंपेयर नहीं बनते, आप हमारे शुभमन गिल के साथ जो है वो भाई कंपेयर करो। और अब देखो शुभमन गिल की अपनी ही जगह नहीं बननी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इंडियन टीम में। यार बहुत मजा आने वाला यकीन करो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। यार यार यही रही आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि यार आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो यार अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के वाले से बात करेंगे। अपना ख्याल रखो, मेरा भी ख्याल रखो। ओके अल्लाह हाफिज़।